वेलकम बैक टू लेडीज स्पेशल प्रोग्राम। सुनेंगे सावन तीज के महीने में चंपा इनानी जी से एक सुमधुर भजन। राधा नंद किशोर भजो मन, राधा नंद किशोर, मात यशोदा मैया पलन झूलावे, मात यशोदा मैया पलन झूलावे, खेचती रे शम डोर बजो मन, राधा नंद किशोर नंद बाबा के आंगन में खेलत, नंद बाबा के आंगन में खेलत, नूपुर की घन गोर बजो मन, नूपुर की घन गोर बजो मन, राधा नंद किशोर जमुना के निर तीर धेनु चरावे, जमुना के निर तीर धेनु चरावे, बंसी बजावे नंद किशोर बजो मन, राधा नंद किशोर मोर मुकुट मख राकृत कुंडल, मोर मुकुट मख राकृत कुंडल, चितवन की छवि न्यारी छ बजो मन, राधा नंद किशोर भजो रे मन, राधा नंद किशोर दो हिल मिल प्रेम से झूलत, दो हिल मिल प्रेम से झूलत, राधा माखन चोर बजो मन, राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर बजो मन, राधा नंद किशोर। जय श्री कृष्ण। तो अभी आपने देखा चंपा इनानी जी ने हमें बहुत ही सुमधुर भजन से भाव विभोर किया, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम कौन सामने आएगा। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज के जो घर का माहौल है, चाहे कोई भी हो, बड़े या छोटे, सीनियर सिटीजन या कॉलेज के बच्चे, टीनेज, फ़ोन का, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने खाने पे भी नहीं, तो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा घर में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, फ़ोन का हानि भी है, लाभ भी है, दोनों भी है जी। अपन को समझ, अपने को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर है। मेरे हिसाब से फ़ोन है भी बहुत फ़ायदेमंद। आज फोन मोबाइल के वजह से अपन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और दूर में बैठे हुए लोग भी अपने को देखने को मिल रहे हैं, अपन उनसे ऐसे लगता है कि अपन पास में हो गए उनसे, तो फ़ोन का फ़ायदा भी है। हाँ, अगर छोटे बच्चों के हाथ में आए तो उसके लिए बहुत हानि है, क्योंकि आज बच्चों का उसकी वजह से रुकावट, पढ़ाई की में रुकावट आ गई है,
वो लोग फ़ोन में इतने हो गए कि खाना पीना सब फ़ोन की वजह से होने लग गया, मोबाइल की वजह से होने लग गया है, तो उनका सेहत पर बहुत प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है। मैम छोटे बच्चे खाना नहीं खाते तो मम्मी डैडी उनको फ़ोन दिखा के खाना खिलाते, ये पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आज वो जब वो खा रहे हैं तो उनको मालूम नहीं वो क्या खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए जब खाते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं है, बस वो मोबाइल में रहते हैं, माँ उनको मुंह में देती है तो उनको कोई टेस्ट मालूम ना क्या खा रहे हैं वो नहीं मालूम है, ये बात है। अभी माँ बाप का गलती है या बच्चों का, वो तो अनजान है फोन से, उसे तो पता भी नहीं। ये माँ बाप की गलती है, ये माँ बाप की गलती है, मैं इसको मानती हूँ क्योंकि ये तजुर्बा मेरे साथ भी हुआ था। मेरा छोटा सा दोइता था, मैं उसको फ़ोन देके अपना टाइम पूरा कर लेती थी कि अरे ये जल्दी खाना खा लेगा बोल के ये चीज़ को। फिर मैंने जब उसकी तबीयत पे असर आया तो डॉक्टर ने बताया कि आप इसका मोबाइल छुड़ाइए तब जाके ये तबीयत इसकी ठीक होगी। उसके बाद मैं रियलाइज़ करी कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, क्योंकि मैं बच्चा मोबाइल में देख के कुछ क्या खा रहा है मालूम नहीं है, और वो इतना जिद करने लग गया कि मेरे को मोबाइल से ही खाना खाना है। फिर धीरे धीरे उसकी आदत मैंने छुड़वाई। थैंक यू मैम। तो खुशी जी आपसे मेरा सवाल है, आज का जो इंटरनेट है टीन एज के लिए कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, और आपको किस तरह से उपयोग हो रहा है इंटरनेट का? अब इंटरनेट एक बहुत ही वास्ट चीज़ है और उसके बून और बेन दोनों ही है। इंटरनेट आपको बहुत फ़ायदे भी दे सकता है, आप अलग अलग जानकारी ले सकते हो इंटरनेट से, आप पढ़ाई कर सकते हो इंटरनेट से, ट्यूशन्स आजकल माँ बाप दिला रहे हैं पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी इतने वेल टू डू ट्यूटर्स है ऑलरेडी। बट वो बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वो बच्चा कैसे ले रहा है इंटरनेट को। इंटरनेट में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी है और बहुत सी बुरी चीज़ें भी है। अगर वो बच्चा बुरी चीज़ें देखेगा तो वो वैसी ही असर होगा उस पर, और वो अगर अच्छी चीज़ें देखेगा तो उस पर वैसी असर होगा। तो वो इंटरनेट का फॉल्ट नहीं है, वो इंसान का फॉल्ट है अगर वो बुरे वे में जा रहा है तो। और एक सवाल आपका, आजकल के बच्चों को ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही, पढ़ाई से ज़्यादा माँ बाप बच्चों को ट्यूशन पे ज़्यादा जोर दे रहे, उसका रीज़न? ट्यूशन का रीज़न ये है क्योंकि आजकल के बच्चे स्कूल में सिर्फ दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और पढ़ाई वो ट्यूशन में करते हैं। दैट्स इसका मतलब माँ बाप स्कूल में भी फीस भरेंगे ट्यूशन में भी भरेंगे फीस? वो तो है, अब स्कूल आजकल ऐसे रिजॉर्ट टाइप स्कूल्स हो गए विद ऑल द फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये सब रहते हुए स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है बट वो फ्रेंड्स के साथ होता है, फिर वो मस्ती बात करना उसमें पढ़ाई थोड़ी रह जाती है, तो वो ट्यूशन। ओके थैंक यू। तो हम अगला सवाल मंजू गुप्ता जी से करेंगे। मंजू गुप्ता जी, आजकल के युवा पीढ़ी अपनी पसंद से इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक सही है, और अगर वो शादी भी कर रहे हैं तो माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, सेपरेट कर दे रहे हैं? मेरा ये मानना है अगर बच्चा इंटरकास्ट मैरिज करता है, जब जान पे आ पड़ती है कि अगर आप ये शादी नहीं करवाओगे तो हम खुदकुशी कर लेंगे, तो माँ बाप को खुद ही अपने आप झुकना पड़ता है, इसीलिए वो शादी भी करना पड़ता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम, कई शादियाँ तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, क्योंकि आप पहले ही इतना कुछ मिल लेते हैं, बाद में कुछ बचता ही नहीं है, वह बाद में झगड़ा भी हो जाता है, फिर वो आखिर तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं इंटरकास्ट मैरिज भी कीजिए मगर समझदारी के साथ कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी मुसीबत ना हो कि अपना पेरेंट्स का नाम भी खराब हो और सामने लड़की वालों का भी नाम खराब मत हो। तो मैं चाहती हूँ इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा कम देना चाहिए, ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही। एक सवाल मैम, इंटरकास्ट शादी बोल तो वो भी तो आपका बेटा लड़की से ही करेगा ना? तो मेरा मानना तो यही है ना कि माँ बाप को तो झुकना ही है, इंटरकास्ट करो चाहे कास्ट में करो, माँ बाप को तो झुकना ही है, क्योंकि अगर जब लड़का बोल देगा कि मुझे इससे ही करना है नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो अपने बेटे से जान कौन गवाएगा, इसीलिए जरूरी है कि इंटरकास्ट मैरिज को अपन एग्री कर ले दो। तो यहाँ पे आप एक मुद्दे पे जोर डालेंगे कि परवरिश में प्रॉब्लम हो रहा है या बच्चे की? परवरिश में प्रॉब्लम नहीं है, जो एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, आजकल माहौल जो बना हुआ है, बच्चे यूट्यूब गूगल देख के इतने एक्सपर्ट इतने फ्री हो गए हैं कि उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था हम लोग बॉय स्कूल सामने था लेकिन लव क्या होता हमको मालूम पता ही नहीं था, इसीलिए मतलब
मैं चाहती हूँ कि बच्चों की परवरिश का फ़र्क नहीं है, माहौल का फ़र्क है। जिस कॉलेज में जाते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, वहाँ के माहौल पर डिपेंड है। क्योंकि दोस्त बनाते हैं, लेकिन दोस्त के साथ साथ उनके घर आना जाना वो रिश्तों में बदल जाता है। इसीलिए को एजुकेशन, हम भी पढ़े हैं, हम भी फिफ्थ तक कोएड थे, अग्रवाल स्कूल में पढ़े, हम को एजुकेशन था, लेकिन कभी हमने लव नाम की चीज़ सीखी ही नहीं थी। आपका बेटा आपके साथ समय बिताता? मेरा बेटा छोड़ के पोता पोती भी हम दादा दादी के साथ समय बिताते हैं, हम लोग उनके साथ खेलते हैं, मैं उनको 1 मिनट गेम खिलाती हूँ, और ऐसा दिखता है पोता ही नहीं, मेरी जॉइंट फैमिली है। जेठानी, उनकी बहू, उनके पोता पोती, मेरे पोता पोती, मेरे हम हस्बैंड, सब बैठ के हम लोग आपस में खाना भी हम लोग सब लेडीज साथ में खाते हैं, बच्चे हमारे चारों साथ में खाते हैं। आज का टीनेज क्या है, सेपरेट कर ले रहा फैमिली से, उसका रीजन? अगर हम चाहते भी हैं कि जेठानी की फैमिली मेरी फैमिली अलग रहे, लेकिन हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा मतलब आपस में समझदारी है कि वो लोग अलग ही नहीं रहना चाहते, तो कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चे शादी करके एकदम सेपरेट सेपरेट हो जा रहे, जॉइंट फैमिलीज आजकल देखने को नहीं मिल रही। ज्यादा पढ़ाना है, वो भी हानिकारक हो रहा है, क्योंकि लड़की भी इतना कुछ पढ़ लेती है, वो अपने मैं पने में आ जाती है। क्यों सोचती है कि बाहर खा लेंगे, क्यों बनाना परिवार का खाना, क्यों बनाना, सर्विस पे जाओ आओ हस्बैंड वाइफ बाहर का लो, क्योंकि ना काम वाली का झंझट ना किसी चीज का झंझट, खा पी के आ जाओ और पढ़ लो सो जाओ अपना। आजकल जोमैटो स्विगी का ज्यादा चलन चल, जोमैटो स्विगी तो मुझे एक आंख नहीं सुहाता है, क्योंकि और मेरे बच्चे तो जोमैटो स्विगी मैंने आज तक मेरे घर पे आए सो नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अपना राजस्थानी फूड दाल बाटी चूरमा इडली वड़ा हर चीज़ घर का खाना चाहते हैं। मेरा ही मन कभी कभी करता है कि आज 8-15 दिन में कभी बाहर का फूड मंगा लेंगे, और वो भी बच्चे जाके खुद ला लेते हैं, नहीं तो मैं भी साथ चले जाती हूँ, चलो बेटा पसंद का खाना खा लेंगे खुद। हम दादा दादी भी बच्चों के साथ जाते हैं और पसंद का खाना खिला के लाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि अलग जाए। मैम, लव मैरिज के बारे में आपके विचार क्या है? लव मैरिज मजबूरी, बड़ों के लिए तो मजबूरी है और बच्चों के लिए अंधविश्वास मीन्स धुन है कि हमको ऐसे ही करना है, तो ना समझ और ना समझ की वजह से ही अपने को मानना है। बाकी लव मैरिज में कोई हानि तो नहीं है, ज़रूरत है, सब ठीक है तो करना ही चाहिए। तो मैम, आपका लव मैरिज इंटरकास्ट में आपका क्या विचार है? क्या एक लड़की लड़का को लव मैरिज करने के बाद परिवार उसको सपोर्ट क्यों नहीं करता, करे भी तो उसको सेपरेट कर देता? ऐसा है कि परिवार उसको सेपरेट करता ऐसी बात नहीं है, लव किससे हुआ, वो लड़की किस टाइप की है। जैसा कि एक परवरिश में काफ़ी असर आता है, हम जिसको अपने बच्चों को पालते हैं एक परिवार होता है, उसकी परवरिश एक अलग होती है। इंटरकास्ट मैरिज करके जैसा दूसरी जाति के लोगों की परवरिश एक अलग ढंग से होती है, वो बच्ची आके वो एडजस्ट हो गया नहीं, खान पान में, पहनने उड़ाने में, बोल चाल में, अपने रहन सहन में, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी में जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो बड़ों का कितना आदर करती है नहीं करती है, वो बड़ों को कैसा लगता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अरेंज मैरिज हो, हम लोग का पहले से ही खानदान, लड़की, उनके माता पिता, उनका रहन सहन, खान पान सब देख के शादी करते थे। आजकल क्या है, इंटरकास्ट में कोई भी लड़की से कभी भी शादी हो, आगे जाके वो एडजस्ट हुई, कई तो लड़कियां बहुत एडजस्ट हो जाती है, कई लड़कियां खान पान में, घूमने फिरने से या काम धंधे पर जाने से एडजस्ट नहीं होती है। इसीलिए ये सोचने में पड़ जाता है कि सामने वाली लड़की कैसी है, अपन उसको एक्सेप्ट कर सकते या नहीं कर सकते, ये मसला भी एक सामने आता है। मैम, आपका मतलब इंटरकास्ट में ज़्यादा डाइवर्स होते और अरेंज मैरिज में डाइवर्स नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डाइवर्स होते हैं या नहीं होते, दोनों का भी ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है, ऐसा है कि भाई एडजस्ट होने पे है ना कि कभी कभी तो इंटरकास्ट की भी एडजस्ट हो जाती है, और कभी अपन अरेंज करते हैं वो भी एडजस्ट नहीं होती, वो मतलब ऐसा है। क्यों बोलते, वो नेचर में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, परिवार में संयुक्त परिवार रहते थे, अब क्या अकेले अकेले ज़्यादा पसंद करें लोग कि इजी लाइफ जीना चाह रहे, मतलब सभ्यता संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, सभ्यता वो तो अंतर रहेगा ही ना, तो अपने जैसा अपन परवरिश में, अपन जैसा मेरी पोती है, मैं उसकी परवरिश कर रही हूँ,
तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे ढंग से जो हम खाना बनाते हैं वो खाती है, वो जैसे हम लोग का शुरू, फिर बाद में उसकी पसंद धीरे धीरे बदलते जाती है, जैसी वो स्कूल फ्रेंड्स के साथ रहती है, कॉलेज में जाती है, तो उसकी क्या है पसंद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। तो इसी से इंटरकास्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, ये फ़र्क आ जाता है, तो फिर वो उसकी चॉइस भी बदल जाती है। तो फिर वो चाहती है कि मेरी चॉइस का हो, और लव में तो कुछ ही याद नहीं रहता, न कॉस्ट, न जाति, न कुछ याद नहीं रहता, लव लव रहता, एक अट्रैक्शन रहता, वो बाद में समझ में आता जब उसके ऊपर कुछ बीतती है, तो ये फर्क है। तो अभी आपने देखा महिलाओं का बहुत ही खूबसूरत नृत्य, तो आइए अभी देखते हैं जोरदार गेम जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो कौन विजेता होगा, तो आइए देखते हैं जोरदार खेल के साथ। अभी जो गेम हमारे साथ खेलने आई है उनका नाम श्री आशा जी है, तो चलिए जोरदार गेम की एंट्री करते हैं मैडम के साथ। आशा दी ने बहुत ही धमाकेदार जोरदार तीन पिलरों का बिल्डिंग बनाया, तो आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक मिनट में तीन पिलर की बिल्डिंग्स खड़ा की। तो अभी आपने अलका जी का गेम देखा, उन्होंने बहुत काफी जोर लगाया, अब दूसरा जोर लगाने आ रही है मिस शकुंतला जी, अलका जी को बीट कर पाएंगे? गेम स्टार्ट नाउ। शकुंतला जी काफी जोर लगा रही है अपने गेम को अंजाम देने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। तो अभी आपने आशा जी का जोरदार धमाकेदार गेम देखा, अब नेक्स्ट मनीषा जी अपने जोरदार ताकत लगा के गेम में एंट्री कर रही है। गेम स्टार्ट नाउ। मनीषा जी ने अपना खूब जोर लगा के गेम में दमदार कार्यक्रम को अंजाम दिया। मनीषा जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कुछ बचपन याद आ गई, थोड़ा विनिंग के लिए मन कर रहा था लेकिन उसमें गलती हो गई, बट आई एंजॉयड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेट है श्री अलका जी। मुझे गेम खेल के बहुत अच्छा लगा, बट आई डिडंट मेड इट, नो प्रॉब्लम, गेम इज गेम, सो नेक्स्ट टाइम आई एंजॉयड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आई एंजॉयड द गेम थरली, सो थैंक यू मैम। तो अभी आपने देखा हमारे जोरदार धमाकेदार गेम के विनर श्री आशा जी है। आशा जी इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि आपने सभी महिलाओं को बीट करके नंबर वन की रेस में आगे आए? क्यों, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, अपने बचपन का याद आ गया है, बचपन से ही खेलने कूदने में आगे रहे हैं, इसीलिए अभी तक भी भगवान ने हमारे को प्रेरित किया है कि आगे ही रहना। आज तो अभी आपने देखा इन खूबसूरत महिलाओं का भव्यपूर्ण शानदार कार्यक्रम, हमें तो बहुत मजा आया, दर्शकों आपको मजा आया नहीं पता नहीं, आपको मजा आया? यस, सुनाई नहीं दिया, प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत मजा आया, अरे बड़ा मजा आया। हम कामना करते हैं
सिटी विजन यूं ही हमारा कवरेज लेता रहे और वो हमको प्रोत्साहित करता रहे और हम भी उनकी भावना से प्रेरित होकर प्रोत्साहित होते रहे। ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। हैदराबाद के साथ साथ पूरे शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा का विषय हो। दोस्तों, आज आपने देखा सिटी विजन के द्वारा इन खूबसूरत महिलाओं का रंगारंग भव्य कार्यक्रम, नृत्य, हास्य, गेम, तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। प्लीज इंतजार कीजिए अगले भव्य लेडीज स्पेशल कार्यक्रम का। टिल देन बाय, फिर मिलते हैं। नमस्कार।